भाजपा युवा मोर्चा क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी की अध्यक्षता में एनएक्सी भवन के सभागार में संपन्न हुआ। इस दौरान युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी ने समस्त क्षेत्रीय व जिलों के पदाधिकारियों का परिचय प्राप्त करते हुए गोरखपुर क्षेत्र में हुए सभी कार्यक्रमों की जानकारी ली। उन्होंने सभी कार्यकर्ता को संगठन का मूल मंत्र समझाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जहां बूथ का कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय टीम तक पहुंच सकता है। उन्होंने मिशन 2022 का चुनाव जीतने के लिए कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र दिए व सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया। बैठक में युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष पुरुषार्थ सिंह, प्रदेश के महामंत्री हर्षवर्धन सिंह, वरुण गोयल, क्षेत्रीय महामंत्री प्रदीप शुक्ला, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष साकेत सिंह सोनू, युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रणजीत राय, प्रदेश मंत्री शिवेंद्र शाही, प्रदेश मंत्री दीपक मल, प्रदेश शोध प्रमुख संतोष जायसवाल सहित प्रदेश कार्य समिति के सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी व सदर सांसद रवि किशन ने कहा, प्रदेश अध्यक्ष जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा अधिकारी गोरखनाथ बाबा की 52वीं धरती पर यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी महाराज जी की 52वीं धरती पर उनका ढेर स्वागत कर हर्षवर्धन सिंह जी के हम स्वागत करब, अभिनंदन करब। ये दो चेहरे आने के बाद आप लोगों ने महसूस किया होगा कि समस्त उत्तर प्रदेश की युवाओं की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में, जिले की राजनीति में, पूर्वांचल की राजनीति में एक अलग उबाल आया है। उसके कारण क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वरुण गोयल जी का स्वागत है, पुरुषार्थ सिंह जी क्षेत्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा, उनका तहे दिल से स्वागत है। पुरुषार्थ जी का रणजीत राय बड़े जी ने गोरखपुर क्षेत्र को अगल बगल में बड़ी मेहनत की और उस पर भगवान ने महादेव ने उनको डिजर्व किया कि आज रणजीत राय जी प्रदेश उपाध्यक्ष बहुत ही आला दर्जे के मेहनती इंसान, बहुत ही ईमानदार कर्मठ रहे हैं, हमारा साथ भी रहा इनके साथ जब से चुनाव लड़ रहे थे। शिवेंद्र सिंह जी प्रदेश मंत्री हैं, इनकी कर्मठता भी आप लोग उनसे वाकफात है।
दीपक मल जी प्रदेश मंत्री, उनकी भी ईमानदारी कर्मठता से सारे युवा उत्तर प्रदेश के वाकिफ, संतोष जायसवाल जी शोध प्रमुख, पवन यादव जी क्षेत्रीय महामंत्री, अनिल देव त्रिपाठी जी मंच के लिए अभी बहुत अपने जोश से संचालित कर रहा है। रिजवा धर्म के लोग भी हम क्षमा चाहें, कहेंगे हमारा छमार कमेटी का मीटिंग, बाबा मैं 5 कमेटी में सदस्य भी हूँ केंद्र में, आप लोग जानते हैं, और मैं स्टार प्रचारक भी हूँ, तो पार्टी हमारा काम बहुत हर जगह पूरे देश में लगाती है, क्योंकि मैं पूरे देश के हर जगह पर जहाँ भी चुनाव होते हैं या बैठक होती है, पार्टी अचानक हमको वहाँ भेजती है। तो आज दिल्ली में आज हमारी कमेटी की बैठक है। अखिल देव त्रिपाठी जी मंच के संचालन के बारे में बता दिए, गोरखपुर के सभी जिलाध्यक्ष, महामंत्री, युवा मोर्चा के समस्त पदाधिकारीगण एवं मीडिया बंधु सभी लोगों का मैं रवि किशन शुक्ल सांसद गोरखपुर दिल से स्वागत करता हूँ आपका। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा गोरखपुर क्षेत्र में आज ये बैठक हो रही है। नौजवानों के साथ आपकी बात 312 आप लोग हर जगह देख रहे हैं। नौजवानों के साथ 312 का कारण क्या है? यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मैं काम करता हूँ, उनके अंडर के सांसद को काम करना, उनके साथ जब भी हमारी हर मंगलवार को बैठक होती है पार्लियामेंट के दौरान, और ऐसी बैठक होती है प्रधानमंत्री जी ऐसे खड़े रहते हैं, हम लोग सामने सांसद गण बैठे रहते हैं, और उनकी बातों में हमेशा युवाओं की बातें रहती हैं, उनकी बातों में हमेशा एक नए भारत की बातें रहती हैं, वो भारत जिसकी कल्पना हम लोग कभी कभार इतिहास में पढ़ते थे कि सोने की चिड़िया और बहुत सारा सुखद अनुभव था इस देश इसी जमाने में, इतिहास के पन्नों में उन सबको फाड़ के फेंक दिया गया। कांग्रेस की सरकार में इतिहास के पन्नों से बहुत छेड़छाड़ हुई जिसमें बहुत सारे सच्चाइयों को खत्म कर दिया गया। प्रधानमंत्री जी जैसे आए 2014 से आप लोग देखिएगा कि चूँकि मैं गांव के हाथ का लड़का हूँ, ज़मीन से मैं लोग चल कर आते हैं, मैं रेल कर आया हूँ, मेरी कहानी सब लोग जानते हैं कि मैं कैसे यहाँ पहुँचा। तो प्रधानमंत्री जी यही बातें जानना कि वो भी गरीबी से आए, फिर योगी महाराज जी भी गरीबी से आए, हम लोग कैसे अपने जीवन की शुरुआत की और क्यों ये लोग निस्वार्थ त्यागी बन गए, क्यों आज यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी या फिर योगी महाराज जी को पूरा देश क्यों पूछने लगा, क्योंकि निस्वार्थ त्यागी है हमारे देश में। इसके पहले लुटेरों की सरकार थी, स्कैम होते थे, भ्रष्टाचार होते थे, मेरे गांव में सड़क नहीं थी, आपके गांव में सड़क नहीं थी, आपके गांव में शौचालय था, शानदार था, ए बाबू जब होता है तो युवा मोर्चा शांत रहता है, युवा मोर्चा योद्धा है, वो शांति से वार करता है। तो युवा मोर्चा की टीम जितनी यहाँ बैठी है, हम इतना कहा कि भैया ये समय बहुत कठिन भी है, ये समय को आसानी से भी नहीं लेना, क्यों विरोधी अपने बहुत सारे दाव खेल रहा है। मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात कहूँ, यहाँ पर मिलने का कारण, यहाँ पर बैठक करने का कारण ये है कि युवा मोर्चा अपनी राजनीति, अपने वे ऑफ वर्किंग, अपनी स्टाइल को कैसे करेगा, कैसे गांव देहात में जैसा भी म्यूचुअली दिखाई दिया कि स्कूल के बच्चों के साथ भी बड़ा अच्छा लगा, कुछ ग्रामीण बच्चों के साथ, ग्रामीण स्कूल के साथ अपनी बातें रख रहे। आप लोगों का काम बहुत आसान है, आप लोगों को खाली जाके ये बोलना है कि सरकार में क्या क्या हुआ, हम लोगों के पास इतनी योजनाएं, हम लोगों ने इतना काम किया है, इसी गोरखपुर में 15,000 करोड़ रुपए का काम हुआ है सिर्फ गोरखपुर। अरे जाके गिनवाने का है कि माई देखा तो के ही मिलल बा, एक किसान भाई तो के ही मिलल बा, एक बिटिया तो के ही मिलल बा, ए बाबू ये देखा तो खाता में इतना पैसा आवा था, मैं खुद मेरे लेटर हेड से 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा प्रधानमंत्री से मेडिकल का अभी तक सुविधाएं लाके अपने क्षेत्र को दे चुका हूं, 2.5 करोड़ तो खाली बना। इतना कुल काम केंद्र से मिला, इतना कुल काम कि आप लोग सोच नहीं सकता। मैंने जो जो चिट्ठी लिखी पूज्य महाराज जी को या केंद्र को, वो मेरी सारी चिट्ठियां पारित हुई, वो मेरे सारे काम 2.25 साल में पारित हुए। अगर मैं पार्लियामेंट में भी आवाज उठाया और ड्रग्स के
के खिलाफ आवाज उठाया या देश के समक्ष देश के सामने अपनी बात रखी, गोरखपुर के क्षेत्र की बात रखी, यहाँ की पीड़ा रखी, तो उसको सुना गया। आप लोगों को खाली यही आवाज रखना है। आप लोगों का भविष्य बहुत उज्जवल है। कल आप लोग भविष्य के सांसद हो, भविष्य के विधायक हो, भविष्य के आप पदाधिकारी हो, आप लोग मंत्री बनोगे, यही अगली पीढ़ी हो। आप लोग इस देश की अगली पीढ़ी हो। मंच पर जितने बैठे हैं इनका भविष्य बहुत उज्ज्वल है, आप लोगों का भविष्य बहुत उज्ज्वल है, लेकिन उसके लिए काम करना होगा। जैसे सबके लगातार मैं हीरो हूँ, महाराज जी यही ना तो हवा हवाई वाड़ा चल रही है, और आज वही गोरखपुर और आप लोग भी देख रहे हैं कि कैसे यही हीरो यहाँ घूम रहा है, यहाँ मेहनत कर रहा है, यहाँ दुख सुख में, क्योंकि मेरे महाराज जी काम कर रहे हैं, मेरे प्रधानमंत्री दिन रात काम कर रहे हैं, मैं सच्ची पार्टी के साथ हूँ। तो साथ वही विरोधी आज चुप हो गए, वही विरोधियों के पास आज बोलने के लिए कुछ नहीं है। आपको खाली जाना है गांव देहात में, सबको घर घर जाके मिलना है, भूलना है कि क्यों भारतीय जनता पार्टी, क्यों नरेंद्र मोदी जी, क्यों पूज्य योगी महाराज द्वारा मुख्यमंत्री, किस लिए, क्या क्या चीजें मिली, क्या क्या बताया, एक एक चीजों की योजनाओं की चिट्ठी ले चलो और सबको बताओ हम लोग गारंटी की जो आप लोगों ने लिखा है। मैं महादेव की कसम खाता हूँ 350 के ऊपर हम लोग जाएंगे, जो जो आप लोग अगर अपनी बातों को वहां रख देंगे, जैसे कल कुशीनगर में पता है आपको, कल प्रधानमंत्री जी आए थे, 70-80 हजार की भीड़ की हुई थी, कल वहां 1.5 लाख लोग आए थे, और स्वयं प्रधानमंत्री गए तब भी लोगों का रेला लगा था, आ रहे थे, क्योंकि वो सब लोग पाए हैं, सारे लाभार्थी, हर व्यक्ति, हर गरीब गुरबा, कैसे 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 महीने से अनाज दिया, कैसे वैक्सीन के पूरे वर्ल्ड में चार्जेस लगते हैं, दुबई में 4,000 रुपए का एक इंजेक्शन मिलता है, अमेरिका में भी चार्जेस हैं, और कैसे फ्री वैक्सीन इस देश में बांटी गई। आज मैं चाहूंगा जोरदार ताली बांटी युवा मोर्चा देखिए। अभी 1 अक्टूबर को भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश की प्रदेश कार्यसमिति हुई, और उसके बाद सभी 6 क्षेत्रों की क्षेत्रीय कार्यसमिति कार्यक्रम चल रहा है, उसी के संबंध में आज गोरखपुर क्षेत्र की क्षेत्रीय कार्यसमिति थी, उसी में भविष्य की तैयारियों की दृष्टि से, चूंकि चुनाव आने वाला है, हर बूथ पर नौजवानों की फौज खड़ी करके इस बार भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में हमारी सरकार 350 सीटों के साथ कैसे बने, उसकी तैयारियों के संबंध में क्षेत्रीय कार्यसमिति थी। सोशल मीडिया में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी छाई हुई है, और उसका कारण है कि सोशल मीडिया ज्यादातर नौजवान इस्तेमाल करता है, और नौजवानों में योगी जी जबरदस्त रूप से लोकप्रिय हैं। पुरानी सरकार थी तो नौकरी मिलती थी केवल एक जाति के लोगों को मिलती थी, और वो भी पैसा देकर मिलती थी। योगी जी ने 4.5 लाख नौकरियां दी हैं, और बिना किसी को एक रिश्वत देनी पड़ी हो और उसको नौकरी मिली है, चाहे वो किसी का भी वर्ग का व्यक्ति हो। आज बेरोजगारी की दर जो हमारी सरकार नहीं थी वो 17.1% थी, वो घटकर 4.1% रह गई है। ये सब योगी जी के प्रयासों के कारण हुआ है। पूरे प्रदेश का विकास हो रहा है, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, रक्षा कॉरिडोर आ रहा है, नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, नौजवानों में उत्साह है। इस कारण सोशल मीडिया से लेकर हर जगह भारतीय जनता पार्टी आगे दिखेगी और हमारी सरकार बनेगी। हर बिंदु पर जो पुरानी सरकार थी वो हिंदुओं का दमन करती थी, और इस सरकार ने समान रूप से सबको स्वेच्छा से चैन से जीने का अवसर प्रदान किया है। चाहे कांवड़ यात्रा हो, चाहे कोई भी मामला हो, पूरा प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है। पुरानी सरकार थी तो उसमें दंगों की लाइन लगी रहती थी। योगी जी ने एक प्रकार सबको समान ट्रीटमेंट दिया, किसी का तुष्टिकरण नहीं किया है, तो आज प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश हो गया है। ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं, इन सब मुद्दों को लेकर हम लोग चुनाव में जाएंगे और निश्चित रूप से बहुमत में सरकार बनाएंगे। अभी इस वक्त पूरे वर्ल्ड को कैप्चर किया हुआ है, इसको अगर आप अखबार में नहीं छप पा रहे हैं, अगर आप सेलिब्रिटी नहीं हैं, आप बड़े नेता नहीं हैं, तो आप भी सेलिब्रिटी बन सकते हैं, और आपके पास सबसे बड़ा माध्यम है आपका मोबाइल।
ये मोबाइल फ़ोन जो आपके पास है ये आपको सबसे बड़ा सेलिब्रिटी बनाता है, सबसे बड़ा नेता बनाता है। तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की आज जो समिति बैठक थी हमारे गोरखपुर क्षेत्र की, पूरे क्षेत्र की, तो उसमें 12 जिले के थे, 12 जिले के सारे पदाधिकारी थे, हमारे अध्यक्ष भी थे, हमारे महामंत्री जी भी थे। हमने यही कहा कि आप लोग ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे रहिए, दिन में अपने 10 पोस्ट प्रत्येक योद्धा जो भारतीय युवा जनता युवा मोर्चा का है वो 10-10 पोस्ट करें और अपने आप को आप सेलिब्रिटी से कम नहीं करेंगे और अपनी योजनाएं यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की, पूज्य योगी महाराज जी की, भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को ज़मीन पर बताएं सबको, क्योंकि हर व्यक्ति सोशल मीडिया पे अखबार पढ़ना कोई कोई लोग भूल जाते हैं, टीवी चैनल न्यूज़ नहीं देखते आप, लेकिन मोबाइल फ़ोन हर व्यक्ति देखता है। तो आपको बताते रहना है सबको, क्योंकि चुनाव अब करीब है, अब ये समय आ गया है कि हम लोगों ने क्या काम किया पिछले 4.5 साल में पूज्य योगी महाराज जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में, ये बताने का समय आ गया। आज सब ने प्रण लिया है और सारे योद्धा जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के हैं ये वॉरियर हैं और ये वॉरियर की तरह निकलेंगे और ये युद्ध जीतेंगे। हम 350 पार हम लोग सीटें लेंगे, पूज्य योगी महाराज जी मुख्यमंत्री दोबारा बनेंगे, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद दोबारा होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार डेफिनेटली बहुमत की सरकार होगी। बोला हारा हारा महादेव, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जी जी, बहुत बन चुका है सोशल मीडिया 2022 का नहीं, 2000 जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने गौर करिएगा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे कैशलेस दुनिया की, डिजिटल वर्ल्ड को जैसे प्रेशराइज किया, ये पूरा श्रेय जाता प्रधानमंत्री मोदी जी को कि आज एक ग्रामीण व्यक्ति भी मोबाइल चलाना, स्मार्टफोन चलाना, आज हम लोग पूज्य योगी महाराज जी स्मार्टफोन आंगनवाड़ी की बहनों द्वारा और सभी टैबलेट जो बांट रहे हैं और मोबाइल को इतना सस्ता कर देना, इसकी कीमतों को सस्ता कर देना, तो ये मैं धन्यवाद दूंगा यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को। आने वाले फ्यूचर को उन्होंने 2014 में देखा था और दुनिया को कहा था, देश को, कि डिजिटल हो जाएं, डिजिटल हो जाएं, डिजिटल हो जाएं। उस वक्त उनका लोगों ने मजाक उड़ाया था प्रधानमंत्री जी का, लेकिन उनका आज पूरी दुनिया, आज पूरा भारत डिजिटल हो चुका है, सब लोगों को ऑपरेट करना आ गया है, सब लोग बैंक मनी ट्रांसफ़र करने, पहले लगा रही कैसे हुई हो, बैंक ना ही जाए तो कैसे, चेकवा फाड़े के पड़ी, तभी अब मोबाइल से कैसे बटन दाबी तो पैसा मिल जाए, अब सब लोग जान चुके हैं। तो धन्य है यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी। प्रियंका का दौरा कितना कोई इफेक्ट नहीं करेगा, प्रियंका जी के दौरे से समाजवादी पार्टी डरी हुई है, क्योंकि उनके जितने भी दूसरी जात के वोट हैं, मुसलमान भाई लोग हैं, उनके वोट कटेंगे तो प्रियंका जी समाजवादी पार्टी के वोट काटेंगी, तो उनको अखिलेश जी को ज़्यादा चिंता है, भारतीय जनता पार्टी के वोट बढ़ेंगे। हम लोगों को हर बिरादरी का वोट मिल रहा है, हम लोगों को यादव जी का भी अब वोट मिलने लगा है। कुछ नहीं देखिए, लखीमपुर खीरी वाली घटना को राजनीतिक रोटियां बना दी थी, ये बातें सब लोग जान चुके हैं, जो जो हुआ था उसके बाद कानून ने भी अपना काम किया, वो भी लोगों ने देखा। तो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, पूज्य योगी महाराज जी की सरकार को, हमारी सोच को, क्योंकि हम लोग की सोच ईमानदार है इसलिए काम दमदार है, हम लोग जीतेंगे, हम लोगों को किसी से खतरा नहीं, क्योंकि जीरो करप्शन है यहाँ पर, किसी को छोड़ा नहीं जाता, कानून लॉ ऑर्डर में सबको महाराज जी और प्रधानमंत्री जी बराबर रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी की यही ईमानदारी है जो हम लोगों को दोबारा जितवा रही है और हम लोग बहुमत की सरकार यहाँ डेफिनेटली बना रहे हैं। देखा भाई, हम लोग बैकअप तो नहीं देंगे, हम लोग अपने काम में लगे हैं, आप लोग देखिए हमारा काम इस तरह से होता है, हम लोग ज़मीनी काम करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के हर संगठन का काम होता है, हम लोग सीरियसली काम करते हैं, हम लोग अपने में, हमारी पार्टी इतनी विराट है, 18 करोड़ से ज़्यादा कार्यकर्ता हैं, कि हम लोग अपने से फुर्सत नहीं मिलती, हम लोग विरोधी दल पे झांकते नहीं, ताकते नहीं, वही लोगों को मोदी जी, योगी जी, मोदी जी, योगी जी लोग करते रहते हैं, हम लोगों को उनके तरफ ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरह काम करता हम लोग संगठन में, प्रधानमंत्री जी भी एक संगठन के कार्यकर्ता के रूप में आ जाते हैं जब चुनाव लगता है, ये वे ऑफ वर्किंग है, ये संगठन प्रधानमंत्री जी का स्टाइल है वर्किंग करने का। अभी वो गोरखपुर भी अगले महीने आएंगे, सिद्धार्थनगर 25 तारीख को जाएंगे, उनके दौरे हैं, वो प्रधानमंत्री जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, हमारे सर्वे सर्वा हैं, उनका जो उनका वो अपने दौरे चुनाव के हैं, हर पार्टी अपना करता है, हम लोग भी अपनी तरीके से कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी
जी भी कर रहे हैं हम लोगों के पास, लेकिन वो लोगों चुनावी दौरे करेंगे। हमारे पास मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन है, एयरपोर्ट का उद्घाटन है, एम्स का उद्घाटन है, फर्टिलाइज़र का उद्घाटन है, मेडिकल, बहुत सारे उद्घाटन करते जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने इतना काम किया है कि उद्घाटन में ही हम लोग 400 सीट भी ले आए, क्योंकि वो सच्चाई है, हम लोगों ने अच्छे काम किए हैं और उसका उद्घाटन करने प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं।